हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब बच्चे? होप यू ऑल आर अमेजिंग एज ऑलवेज। टुडे इन दिस वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद द थर्ड यूनिट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, लेसन नंबर 18, ग्रोइंग अप। दिस लेसन कंप्राइजेस ऑफ टू शॉर्ट पोएम्स, मिस्टर थॉमस फ्रॉग एंड द बटरफ्लाई। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपनी पोएम को रीड कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर थॉमस फ्रॉग। लिटिल टॉमी टैडपोल बिगैन टू वीप एंड वेल, फॉर लिटिल टॉमी टैडपोल हैड लॉस्ट हिज लिटिल टेल। एज हिज मदर डिडंट नो हिम, एज ही वेप्ट अपॉन अ लॉग, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog. Kids, this short and sweet poem is written by poet C.J. Tennis. बच्चों, poem growing up में दो creatures के growing stage के बारे में describe किया गया है। हम पहली poem Mr. Thomas Frog को understand करते हैं। Children, अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स बिगिन। लिटिल टॉमी टैडपोल। बच्चों, जब फ्रॉग छोटा होता है तब उसे टैडपोल कहते हैं। मिस्टर थॉमस फ्रॉग इस पोएम में एक छोटे टैडपोल के बारे में बात की गई है जिसका नाम है टॉमी। और ये टैडपोल जब छोटे होते हैं तो उनकी छोटी सी दुम होती है। So little Tommy Tadpole began to weep and wail. To weep and wail, इसका मतलब है to cry, कोई भी चीज़ के लिए रोना। हमारी first poem Mr. Thomas Frog में poet कह रहा है कि एक tadpole जिसका नाम little Tommy है, वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? For little Tommy Tadpole had lost his little tail. टॉमी टैडपोल रो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो टैडपोल नहीं रहा बल्कि फुली ग्रोन फ्रॉग बन चुका है और उसकी छोटी सी दुम कहीं गायब हो गई है। एंड हिज मदर डिडंट नो हिम एज ही वेप्ट अपॉन अ लॉग। LOG लॉग, लॉग के माने होते हैं पेड़ में से, ट्री में से कटा हुआ ट्रंक का छोटा टुकड़ा। ठीक है, लिटिल टॉमी टैडपोल फ्रॉग बनने के बाद एक लॉग पे बैठ करके रो रहा है। क्यों रो रहा है वो? फॉर ही वॉजंट टॉमी टैडपोल बट मिस्टर थॉमस फ्रॉग। अब वो जब लॉग पे बैठकर रो रहा है तो उसकी मदर दूर खड़े होकर के उसे देख रही है, वो उसको पहचान नहीं पा रही है। वाई? बिकॉज अब वो उसका छोटा सी टैडपोल बेबी नहीं रहा बल्कि एक कंप्लीट फ्रॉग बन चुका है वो। अब उसकी मदर भी उसे नहीं पहचान पा रही है। अब उसकी ना वो छोटी सी दुम है और ना ही वो टैडपोल है। अब वो मिस्टर थॉमस फ्रॉग बन चुका है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट हमारी है द बटरफ्लाई। फर्स्ट लेट्स रीड द पोएम। द बटरफ्लाई। The fuzzy little caterpillar, curled upon a leaf, made herself a chrysalis and then fell asleep. While she was sleeping, she dreamed that she could fly, and later when she woke up, she was a butterfly. Okay children, let's understand the poem line wise. The fuzzy little caterpillar curled upon a leaf. बटरफ्लाई जब अपने अर्ली स्टेज में बच्चों होती है तो उसके विंग्स नहीं होते हैं। ये अंडों से बाहर आने के बाद एक कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर पोएट उसी कैटरपिलर के बारे में बात कर रहा है कि उस छोटे से कैटरपिलर ने अपने आप को एक लीफ से कवर कर लिया है। मेड हरसेल्फ अ क्रिसलिस एंड देन फेल अस्लीप। चिल्ड्रेन, बटरफ्लाई जब अपने कैटरपिलर वाले स्टेज में होती है
तो कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए अपने आप को अपने ही थूक से बने शेल में लपेट करके सो जाती है। उस स्टेज को क्रिसलिस कहते हैं। व्हाइल शी वाज स्लीपिंग शी ड्रीम दैट शी कुड फ्लाई। जब ये क्रिसलिस कुछ टाइम के लिए सो रहा था तो उसने सपना देखा। सपने में क्या देखा? कि वो उड़ सकता है। जब उसने ये सपना देखा उस वक्त वो कैटरपिलर था, उसके तो विंग्स नहीं थे, बट उसने सपने में देखा कि वो फ्लाई कर सकता है। एंड लेटर व्हेन शी वोक अप शी वाज अ बटरफ्लाई। और फिर जब कुछ दिनों बाद ये शेल फटता है तो उसमें से कैटरपिलर ब्यूटीफुल से विंग्स वाली बटरफ्लाई बन के निकलता है। पोएम में यही बताया जा रहा है कि जब कैटरपिलर क्रिसलिस में से सर्टेन पीरियड के लिए बंद होकर सो जाता है तो वो सपना देखता है कि वो उड़ सकता है, लेकिन तब तो उसके विंग्स नहीं थे। लेकिन जब टाइम कंप्लीट करने के बाद वो क्रिसलिस से बाहर आता है तो उसके विंग्स ग्रो हो चुके होते हैं और अब वो फ्लाई कर सकता है एज अ ब्यूटिफुल विंग्ड बटरफ्लाई। बच्चों, उम्मीद है आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोएम से रिलेटेड एक टेस्ट का लिंक है, उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें। और आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियो अपने स्कूल और ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। प्रायर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके चिल्ड्रेन, हैव फन, एंजॉय आवर टीचिंग सेशंस। विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।